120 डिग्री है। प्रूफ दैट बीसी प्लस बीडी इज इक्वल टू बीओ, ये रहा बीओ। हम ये प्रूफ करना है, दैट इज बीओ बीओ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी। हमें ये दिखा तो देखा जाए, हाँ जो जो दिया पहले लिखने के, गिवन बीसी एंड बीडी आर टू टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है, एंड एंगल बीबीसी इज इक्वल टू 120 डिग्री है दिया हुआ, 120 डिग्री। टू प्रूफ बीसी प्लस बीडी इज इक्वल टू बीओ, या फिर बीओ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी, दोनों में से एक को प्रूफ कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्रूफ। इसमें क्या करना होगा, जैसे कि देख रहे हैं कि डीबीसी हमारे पास 120 डिग्री है, तो हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना होगा। हालांकि जानते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ओ बी इज द बाइसेक्टर, लेकिन फिर भी इसे हमें एक बार लिख के दिखाना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, किस प्रॉपर्टी से कब, तो वो दिखा देना होगा। लिखेंगे बाय आरएचएस, आरएचएस से सब ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस और ये साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, इधर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होंगे, दैट इज ओसीबी, ट्रायंगल ओसीबी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ओडीबी, ओडीबी ये कंग्रुएंट हो गया। इसका मतलब क्या, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओबीडी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एंगल ओबीसी इज हाफ ऑफ एंगल डीबीसी, दैट इज हाफ डीबीसी। डीबीसी हमारा कितना है 120 डिग्री, ये कट के आ गया 60 डिग्री, यानी ये हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री। ओके नाउ इन ट्रायंगल ओसीबी, ट्रायंगल ओसीबी में देख लेंगे, हम एंगल को देख लेंगे, इस एंगल को सेपरेट कर लेते हैं, ये है हमारा 60 डिग्री का एंगल है, यहां 90 डिग्री बन रहा है, ये सी ये ओ ये बी। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो हमें बीसी का जरूरत है, क्वेश्चन में दिया हुआ बीसी और ओबी का जरूरत है, तो बीसी कहां है ये और ओबी कहां ये, तो उस हिसाब से हमारे पास ये एंगल से जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस बोलेंगे, और हाइपोटेनस हमारा ओबी है, तो जहां बेस और हाइपोटेनस की जरूरत पड़े वहां पर लोग कॉस थीटा लगाते हैं, तो लगाते हैं लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या हो जाएगा बीसी और हाइपोटेनस ओबी। यहां पर थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, तो लोग 60 डिग्री डाल देंगे, 60 डिग्री, एंड कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 बीसी बाय ओबी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास बीसी इज सॉरी ओबी इज ट्वाइस ऑफ बीसी, एंड नाउ 2BC कैन बी रिटन एज, पहला तो हमें ये प्रूफ हो गया है, ये वाला हिस्सा ये प्रूफ हो गया है, एंड अगर चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, कैसे भाई बीसी को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, बीसी प्लस बीसी, तो एक तो बीसी रहने देंगे एंड दूसरे बीसी के बदले हम लोग बीडी लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ऑल्सो ओबी इज इक्वल टू बीसी प्लस बीडी, ये प्रूफ हो गया। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, करना है हमें प्रूव दैट द सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, कोई एक सर्कल है जो कि
दो इंटरसेक्टिंग लाइन को टच कर रहा है। सपोज हमारे को दो इंटरसेक्टिंग लाइन ये है L1 and this one is L2 and इन दोनों लाइन को कोई सर्कल टच कर रहा है। सपोज हम सर्कल बना रहे हैं इस प्रकार से, लाइन को थोड़ा सा हम इसको फिर से बनाते हैं। पहले सर्कल बना लेंगे एंड इसको टच करने वाला दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सपोज दिस वन इज L1, दिस वन इज L2, और ये जहां टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम मेरे M और ये है N एंड इसका सेंटर है O। कहा जा रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग द इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, दो इंटरसेक्टिंग लाइन को टच कर रहा है ये सर्कल, और ये जो सेंटर है लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। इस लाइन के एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मान लो ये एंगल है तो इसका बाइसेक्टर अगर मुझे ड्रॉ करें एंगल बाइसेक्टर से, उस एंगल बाइसेक्टर पे लाइक करेगा। सपोज ये हमारा पॉइंट है P, इस OP पे, OP जो कि बाइसेक्टर है उस पे लाइक करेगा। फिजिकल मुझे सबसे पहले ये दिखाना होगा कि OP एक बाइसेक्टर है, अगर OP बाइसेक्टर है तो हम लोग कह सकते हैं कि OP पे ही हमारा ये लाइक कर रहा है। तो देखा जाए क्या दिया हमारे पास, सॉरी सुनो गिवन, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन इज दैट MP एंड PN आर टेंजेंट, MP एंड PN आर टू टेंजेंट एंड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है पॉइंट O lies on angle bisector of lines L1 and L2, L1 और L2 दो लाइन है उसके एंगल बाइसेक्टर को O lies कर रहा है। तो आते हैं प्रूफ में, इसके मुझे पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम OM को ज्वाइन करेंगे या फिर OM को ज्वाइन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OM एंड OM, OM और OM को ज्वाइन किए तो हमारे पास क्या आने वाला है, दो ट्रायंगल मिल गया, एक है OMP और OMP। यदि इन दोनों ट्रायंगल को कोहेरेंट ग्रुप कर दे तो मेरे पास ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं OP एक बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर है जिस पे कि O लाइक कर रहा है। तो चलिए दोनों ट्रायंगल को हम लोग कोहेरेंट प्रूफ करेंगे। प्रूफ में इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP में देख लेंगे, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज 90 डिग्री बिकॉज द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री। OM इज इक्वल टू OM, रेडियस इक्वल रेडियस, इक्वल इक्वल रेडियस एंड OP इज इक्वल टू OP, कॉमन दोनों में ये कॉमन है। देखो देखा जाए ये राइट एंगल साइड एंड हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आरएचएस से ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखो ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP, ONP बाय आरएचएस, आरएचएस से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने से फायदा ये हो एंगल MPO, एंगल MPO इज इक्वल टू एंगल NPO बाय CPC, CPC ये हो गया। देयरफॉर OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MPN, MPN
ना तो कोई एंगल है उसका ये बाइसेक्टर है, और ओपी ना तो कोई बाइसेक्टर है, और देखने की ओ भी हमारे इसी बाइसेक्टर पे लाइन कर रहा है, हेंस वी कैन से दैट सेंटर ओ ओ लाइज ऑन बाइसेक्टर ओपी, बाइसेक्टर ओपी ऑफ एंगल एमपीएन, 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 दैट्स इट। ये काम हम लोग कर लेंगे। तो जैसे ये प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग डील कर चुके हैं।